की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपका यह वर्ष मंगलमय हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका यह वर्ष 2019 का जो भी आपके सपने हो, जो भी आपकी उम्मीद हो, सारे सपने सारे उम्मीद पूरे हों। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का चल रहा था प्रैक्टिस सेट, चल रहा था सपोर्टेड के लिए, हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं प्रैक्टिस सेट पे, और प्रैक्टिस सेट पे आने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे जब भी नए वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज हम लोग की टॉपिक क्या है, जो है आपका चल रहा था क्या, मॉडल पेपर चल रहा था। तो आज मैंने मॉडल पेपर में सारी चीजों का कलेक्शन किया हुआ है, उसमें आपका वॉयस है, नरेशन है, और सिंगुलर प्लूरल का भी होगा, और जो है काफी चीजें इसमें हैं। तो आज हम लोग उस पे चलते हैं कैसे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आज हम लोग उस पे मॉडल पेपर पे आपके चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है बना हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉयस। एक सेंटेंस दिए हुए हैं, उसे किसमें चेंज करना है, उसे पैसिव वॉयस में चेंज करना है। सेंटेंस आपका क्या दिया गया है, वाज सी कुकिंग फूड, जो है वाज सी कुकिंग फूड मींस इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, वाज से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का आपका सेंटेंस है। अब इसमें ध्यान देना आपको चेंज किस में करना है, पैसिव वॉयस में। इंटरोगेटिव में पैसिव वॉयस में चेंज करते समय आप क्या करते हो, जैसे हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी प्रकार उसे बनाते हैं, उसमें परिवर्तन असर्टिव नहीं बनाते हैं। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में ही रहने देंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती है। अब भी बताओ एक किस टेंस का है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, यदि पास्ट कंटीन्यूअस में आपका आज आए तो उसे पैसिव में बदलना हो तो क्या लगता है, वाज वर ही लगता है, और सिर्फ उसके साथ क्या ऐड हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है। उसके साथ क्या जुड़ जाता है, बीइंग जुड़ जाता है। सारों का आप ध्यान रखना जो है किस में कौन कौन सा लगता है, जितने जिसमें लगते हैं सारे का आपका ध्यान देना, सब में आगे वाले का लग जाता है। 8 टेंस का आपका पैसिव वॉयस बनता है और 4 का नहीं बनता है, और उन चारों को कौन कौन सा नहीं बनता है, सिर्फ चारों को आप सुन लो। किसका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। इन चार का नहीं बनता है, बाकी सारे 8 जो होते हैं आपके उनके बनते हैं। 8 में बनता कैसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब किसकी लग जाएगी, कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। कंटीन्यूअस में सिर्फ कंटीन्यूअस में आगे के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है, इस कंटीन्यूअस में क्या होता है, वही हेल्पिंग वर्ब रहती है, सिर्फ उसके साथ बीइंग जुड़ जाता है। और परफेक्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, मतलब सबके आगे वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है आगे वाले टेंस की लगती है, लेकिन आपका कंटीन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें वही हेल्पिंग रहती है, सिर्फ बीइंग जुड़ता है। तो ए भी कंटीन्यूअस का है, वाज सी कुकिंग फूड, तो ए भी किस टेंस का है, कंटीन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट कंटीन्यूअस आपका वाज वर ही लगना है, और सिर्फ जोड़ना क्या है, बीइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव रहेगा, तो क्या हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। 3 यूनिवर्सल नियम जो मैंने बताया था याद है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में बदलना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना, ये यूनिवर्सल नियम होते हैं, हमेशा सब में परिवर्तन होते हैं। सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहां कौन सा क्या हो जाएगा, अब वाज पहले भी दिया है इसमें देख लो आप क्या हो जाएगा, वाज वाज ही रहेगा, और ए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से ही रहेगा। वाज फूड पहले आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, वाज फूड, उसके बाद बीइंग जोड़ना है, वाज फूड बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकिंग है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस, अभी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ले जा कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जा रहे हैं, बाय सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। ये वाला ऑप्शन देखो कहां पर है, वाज फूड कुक्ड बाय बीइंग कुक्ड बाय हर, ये वाला ऑप्शन आपको देखो कहां पर है, वाज फूड कुक्ड बाय हर, बीइंग इसमें नहीं जुड़ा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन कैंसिल हुआ। इज फूड बीइंग कुक्ड, इज से शुरू है, बिल्कुल गलत है, वाजवर है तो वाजवर ही रहेगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हुआ।
अगले पे आ जाओ, वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, आपका मिल गया आंसर। कौन सा आंसर है? तीसरा आपका आंसर सही हुआ। आपका आंसर कौन सा सही हुआ? तीसरा आंसर सही हुआ। देखो वाज है, वाज हेल्पिंग वर्ब सही रहेगा, इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब सही रहेगा। अब उसके साथ क्या जुड़ गया है? फूड आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, फूड आ गया। उसके बाद आपने क्या जोड़ दिया? बींग जोड़ दिया, बींग जो है जो मैंने बताया बींग जुड़ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूनिवर्सल नियम मैंने तो ये बताया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद बाई को जोड़ना है और सी का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा? हर हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? तो तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया। बात समझ में आ गई कैसे हुआ? ये था आपका ए टेंस का, ये कैसे जो है वैसे में परिवर्तन हुआ। अगले में चले, नेक्स्ट चलो। He lives, इसका आ गया था ऊपर वाला, He lives अलवर, अलवर राजस्थान में एक जगह है। He lives अलवर इन राजस्थान, वह अलवर में रहता है। अलवर कहां पर है? राजस्थान में है। अब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट, इन, ऑन, आफ्टर, यहां इन लगेगा कि एट लगेगा कि क्या लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये आपको बताना है। अब बात को समझना आप, इन राजस्थान छोटे स्तर, एक मैंने नियम बताया था जब मैंने प्रीपोजिशन आपको पढ़ाया होगा एट के प्रयोग को, तो मैंने एक नियम बताया था, वो नियम क्या था? छोटे स्थानों के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि बड़ा स्थान कोई हो तो वहां हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। तो राजस्थान क्या है? बड़ा है, उसके पहले क्या लग गया? इन लग गया, इन राजस्थान हो गया। अलवर राजस्थान में है, छोटा प्लेस है अलवर, क्योंकि राजस्थान के अंदर वो छोटा ही हुआ ना, राजस्थान के कंपैरिजन में वो छोटा प्लेस हुआ, तो छोटा प्लेस हुआ तो छोटा के लिए क्या लगा देंगे? ये छोटा भाई के लिए क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा। इस छोटे भाई की को जरूरत किसकी है? इस छोटे भाई को जरूरत किसकी है? एट की जरूरत है। जब छोटे भाई की जरूरत एट की है तो एट लगा दिए, ठीक है। तो क्या हो गया? ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। इसका नियम क्या था? छोटे स्थानों के लिए बड़ों की जो है, बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो आई लिव्स एट इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में क्या है? छोटा है, तो मैंने क्या कहा? ही लिव्स एट इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश, ये हो गया, ठीक है। तो ये होता है परिवर्तन, इसमें जो है छोटे स्थान, जहां दो के बीच में कंपैरिजन हो बड़े के लिए तब जो है इन लगा देंगे, और छोटे के लिए आपका क्या लगा देंगे? एट लगा देंगे, ये हो गया आपका। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एट का पहला ऑप्शन सही हो गया। क्यों सही हुआ? मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिया सेड टू मी आई केम हियर स्टडी, प्रिया ने मुझसे क्या कहा कि आई केम हियर स्टडी, मैं यहां कब आई हूं? कल ही आई हूं, ठीक है। एक बात समझना, इसे चेंज किसमें करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। यहां क्वेश्चन लिखे इनडायरेक्ट लिखे नहीं है, यहां आप इनडायरेक्ट कर लो। इसे किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, प्रिया सेड टू मी आई केम हियर स्टडी, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, सेड टू एक किस टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव पे आपको नियम पता होंगे कैसे चेंज होते हैं। सेड टू किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में चेंज हो जाता है असर्टिव में। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। तो क्या हो गया? प्रिया टोल्ड, प्रिया टोल्ड, मतलब दो ऑप्शन ए, तीसरा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सेड टू सेड ही है इसमें, दूसरा गलत हुआ, तीन अभी आपके सही हो सकते हैं, पहला तीसरा चौथा, टोल्ड तीनों में लगे हुए हैं, ये हो गया प्रिया टोल्ड मी। अब आपको कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगाते हो आप? असर्टिव में दैट लगाते हो ना, तो प्रिया टोल्ड मी दैट हो गया। कहां ए दिया हुआ है? तीनों में दिया होगा, दैट तीनों में दिया हुआ है, तीनों का चारों में दिया है, तो आगे यहां तक तो सब में कॉमन दिख रहा है। आई, आई कौन सा पर्सन है? आई केम हियर स्टडी है ना, आई कौन सा पर्सन है? आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना, ये आपको नियम याद है ना, सन अपॉन वन टू थ्री, ये वाला नियम आपको याद है ना। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्ट, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा,
और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आपका आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? प्रिया के अकॉर्डिंग। प्रिया के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा सब्जेक्टिव केस? प्रिया का सी हो जाएगा। तो क्या हो गया? सी हो गया। अब आगे चलो, ये भी क्लियर आपका हो गया। कम केम है, किस टेंस में है? केम मींस पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। कौन टेंस किससे परिवर्तन होता है ये आप याद रखना। इनडायरेक्ट डायरेक्ट इसी में बदलने के क्या नियम होते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और फ्यूचर में सिर्फ क्या करते हैं? विल को उड़ कर देते हैं, सैल को सुड़ कर देते हैं। ये थे परिवर्तन के नियम, किस टेंस में कैसे बदलता है। ठीक है, तो यहां क्या है? आई केम हियर स्टडी। केम है तो मींस फ्यूचर इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? आई चेंज हो जाएगा, पहले सी हो गया। केम चेंज हो गया किसका? इस समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। कम का चेंज हो जाना गो में, कम जो गो में चेंज हो जाता है। हियर किस में चेंज हो जाता है? दियर में। स्टडी किस में चेंज हो जाता है? प्रीवियस डे। ये आप याद रखना, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। कम का गो में परिवर्तन हो जाना। हियर किस में चेंज हो जाता है? दियर में। स्टडी किस में परिवर्तन हो जाता है? द प्रीवियस डे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और इसे किस टेंस में करना है? अब किस टेंस में करना है? पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में करना है। हैड लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लगा दो आप हैड वर्ब, सी हैड, उसका ऑप्शन देखो कहां है। सी हैड गॉन हियर का दियर द प्रीवियस डे। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है? सी हैड गॉन दियर द प्रीवियस डे, पहला आपका ऑप्शन सही है। क्यों? अब जरा देख लो कैसे चेंज हुआ। प्रिया टोल्ड मी दैट, यहां तक तो मैंने समझा दिया। आई चेंज हो गया, प्रिया के अकॉर्डिंग सी हो गया, सब्जेक्टिव केस सी हो गया। उसके बाद ए पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कम चेंज हो गया था गो में, इसलिए गो की थर्ड फॉर्म खोजेंगे। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो वेंट, गॉन हो गया। और हियर का चेंज हो गया दियर में, स्टरडे का चेंज हो गया द प्रीवियस डे में। वास्तव में कैसे नरेशन का परिवर्तन हुआ? नरेशन में थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी होती है, लेकिन बहुत सिंपल होता है। सिर्फ टेंस का परिवर्तन आपको कैसे करनी है, एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बना लो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होती है नरेशन की। बात समझ में आ गई होगी कैसे परिवर्तन हुआ? तो नरेशन इसका जो है क्या हो गया? पहला ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अगले के चले, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ कमांडर इन चीफ? ये नाउन का क्वेश्चन है। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन कमांडर इन चीफ? कमांडर इन चीफ का आपका प्लूरल क्या है? अब एक बात ध्यान देना, जब भी आपके सामने कोई कंपाउंड नाउन आए, ये दिमाग अपने बना लो। क्या बना लो अपने दिमाग में? इसे बना लो, घर करके बना लो। ठीक है, कमांडर इन चीफ कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय उसमें जो मुख्य शब्द होगा उसमें यस लगा देते हैं। प्लूरल बनाते समय जब भी कोई कंपाउंड नाउन आपके सामने आए तो उसमें जो मुख्य शब्द होगा उसका उसी में यस लगा के प्लूरल बन जाता है। तो कमांडर इन चीफ में आप बताओ कौन सा मुख्य शब्द है? कमांडर इन चीफ में कौन सा मुख्य शब्द है? बोलो आप, बोलोगे? बोलो आप ना, कौन सा जो है मुख्य शब्द है कमांडर इन चीफ में? भैया कमांडर इन चीफ में सबसे मुख्य शब्द क्या है? कमांडर ही है ना, वही तो मेरा पूरा काम कर रहा है। कमांडर क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया। तो मतलब अब आपको समझ में आ गई होगी किसमें यस लगाना है। तो किसमें लगाना है? न तो इन में लगाना है, न तो चीफ में लगाना है। लगाना किसमें है? कमांडर में। इसके लिए आपने तर्क क्या निकाला? तो जो भी मुख्य शब्द होगा उसी में आपने क्या लगाना होता है? यस लगाना होता है। तो क्या हो गया? कमांडर्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखो कहां पर है, कमांडर इंस चीफ है, ये आपका गलत हुआ क्योंकि इसमें इन में लगाया हुआ था। दूसरा है कमांडर्स इन चीफ, इसमें कमांडर में लगाया हुआ ऑप्शन है, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हुआ?
सही हुआ, कमांडर्स इन चीफ। इसमें चीफ में लगा दिए हैं, नो चेंज। चौथा ऑप्शन दिए हैं, कोई परिवर्तन नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा, कमांडर्स इन चीफ। तो आपने नियम क्या निकाला, जब भी आपके सामने कोई कंपाउंड नाउन आए तो उसका प्लूरल बनाते समय उस कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में आप क्या लगा दोगे? यस लगा दोगे, तो उसका क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी? समझ में आई ना भैया? समझ में आई तो चले आगे। चल आगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। एडवर्ब खोजना है। मैंने पिछले वीडियो में एडवर्ब के बारे में काफी अच्छी न्यूज बताई थी आपको, कैसे कैसे किसको मॉडिफाई करता है। मेरा जो है मॉडल पेपर नंबर 3 आपने देखा होगा, तो एडवर्ब के बारे में पूरा डिस्कशन किया। मॉडल नंबर पेपर 2 था वो, उसमें देखा होगा। तो अब मैंने एडवर्ब के बारे में पूरा डिस्कशन किया था, कैसे किसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? नाउन प्रोनाउन को, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ता है, सारे को मॉडिफाई करता है। अब इसे पूछे हैं कौन सा एडवर्ब है? He ran more swiftly than Ramesh। वह अत्यधिक रूप से swiftly, वह क्या है? अत्यधिक रूप से swiftly है किसके comparison में? किसके comparison में? Ramesh के comparison में। अब ध्यान देना, run क्या हो गया? आप एक एक वर्ड को समझो। run क्या हो गया? run क्या हो गया? ये क्या है? आपका verb है। run is दौड़ना, run, run का second form ran, ran is दौड़ना। तो ये क्या हो गया? verb हो गया। ये he क्या हो गया? ही क्या है आपका? ही से क्या है? प्रोनाउन है, ये वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया। मोर को छोड़ दो, स्विफ्टली को छोड़ दो, रमेश क्या हो गया? ये भी नाउन है। अब देखो वह कैसे दौड़ता है? अत्यधिक स्विफ्टली दौड़ता है, मोर स्विफ्टली दौड़ता है। रैंक कैसे कर रहा है? मोर स्विफ्टली कर रहा है ना, स्विफ्टली दौड़ रहा है। कैसे? स्विफ्टली दौड़ रहा है, मीन्स आपको दौड़ने की किसने मॉडिफाई किया? स्विफ्टली ने किया। दौड़ने को मॉडिफाई किसने किया? स्विफ्टली ने किया। तो means swiftly किसको modify कर रहा है? rank को modify कर रहा है। means swiftly modify कैसे, किसको कर रहा है? verb को कर रहा है। तो swiftly आपका क्या हो गया? क्या हो गया आपका? adverb हो गया। अब एक उसके पहले देखो, more swiftly, swiftly में भी कैसे है? more अत्यधिक है। अब इस more ने किसको modify कर दिया? खुद adverb को modify कर दिया। इस more ने क्या किया? खुद adverb को modify कर दिया। swiftly कैसे कर रहा? मोर अत्यधिक swiftly है। swiftly क्या है? अत्यधिक swiftly है। तो adverb ने खुद को modify कर लिया, दूसरे adverb को modify कर लिया। तो मैंने बताया ना, adverb सबको modify करता है, सिर्फ अपने आप को भी modify करता है। सिर्फ किसको छोड़ता है? noun, pronoun और interjection। तो यहाँ की क्या हो जाएगा? ran more swiftly की तो क्या हो जाएगा? more और swiftly दोनों आपके क्या है? adverb है। मोर भी आपका एडवर्ब है और स्विफ्टली भी आपका एडवर्ब है, दोनों आपके एडवर्ब है। तो अब आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। रैन दिया है, ये तो गलत है, ये तो वर्ब है। मोर ये भी सही है, मोर आपका क्या है? एडवर्ब है, सही है। स्विफ्टली ये भी सही है, एडवर्ब है। चौथा ऑप्शन दिया है मोर स्विफ्टली, दोनों। अब यहां देखना, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि इसमें तो दोनों एडवर्ब है। तो आपका सबसे ए भी ऑप्शन आपका सही था, ए भी आपका ऑप्शन सही था, लेकिन इस दोनों है क्योंकि, इसलिए आपका ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन है, मोर स्विफ्टली दोनों है, तो दोनों को हम लगाएंगे। बात समझ में आ गई? ये था आपका मॉडल पेपर, आज का मॉडल पेपर नंबर 4 था। आपका मॉडल पेपर नंबर संख्या कितनी थी? ए आपकी 4 थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे जितने क्वेश्चन इसमें जिस प्रकार के आए थे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, एक मिनट में, दो मिनट में, जल्दी जल्दी। वाज ही कुकिंग फूड था, वाज में चेंज करना था, तो क्या हो गया? वाज फूड कुक्ड बाई सी, तो ऑप्शन नंबर बाई हर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया था। और छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग, बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग, तो क्या हो गया था? एट इसमें लग गया था नेक्स्ट ऑप्शन में। और प्रिया सेड टू मी, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया था, इसका क्या हो गया था? प्रिया टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे हो गया था। अगला आपका था कमांडर इन चीफ था, जो मुख्य शब्द होते हैं उसका प्लूरल बनाता था कमांडर इन चीफ का,
तो इसका नियम था जो मुख्य शब्द होते हैं कमांड नाउन में उसमें यस है यस लगाते हैं, तो मुख्य शब्द कमांडर इसमें था, तो मुख्य शब्द कमांडर मैंने क्या कर दिया यस लगा दिया, तो क्या हो गया कमांडर इन चीफ हो गया। अगला क्वेश्चन था एडवर्ब खोजना था, तो एडवर्ब आपका ही रैन मोर स्विफ्टली देन रमेश है, तो स्विफ्टली भी मोर स्विफ्टली ने मॉडिफाई किया वर्ब को, तो स्विफ्टली क्या हो गया था एडवर्ब हो गया था, लेकिन मोर ने मॉडिफाई कर दिया स्विफ्टली को एडवर्ब को ही कर दिया, एडवर्ब ने एडवर्ब ही मॉडिफाई कर दिया, इसलिए दोनों इसमें क्या हो गए थे एडवर्ब हो गए थे। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया था चार हो गया था, ऑप्शन नंबर फोर हो गया था। ये था आज का मॉडल पेपर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल पेपर आपको पूरी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस नए वर्ष में, आज तो नए वर्ष का मेरा पहला वीडियो है, और जो है नए वर्ष में आप लोग एक उम्मीद के साथ एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और मेरी दुआएं यही रहेंगी कि आपके जो भी उम्मीद हो जो भी सपने हो इस नए वर्ष से आपके सारे सपने सारे उम्मीद आपकी पूरी हो, और जो भी इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, वो जल्दी से जल्दी जो है प्राथमिक शिक्षक होकर के वे अब जो है बच्चों को संवारने का काम करें, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस जो है 2019 में आप लोग जॉब पाएं नौकरी पाएं, और आगे आप लोग जो है आगे इसी तरह आप लोग बढ़ते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो। हाँ एक बात तो मैं कहना भूल गया, आप लोग जो है थोड़ा चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और जो भी आपके हों जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड हों जो भी इस वैकेंसी में सम्मिलित हो रहे हों आप उनकी उनके साथ चैनल को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंच सकूं, अधिक से अधिक लोगों तक फायदा हो सके। तो फिर मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, अपनी वाणी को विराम कर देते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।